Students, now we will be studying the fifth lesson of your 10th standard English medium Kumar Bharti textbook. It's a chapter named Unbeatable Super Mom, Marie Kom. Marie Kom, Chung Ni Jang Marie Kom, was born on 24th of November 1982. Better known as Marie Kom, she is an Olympic Indian boxer hailing from the Kom tribe in Manipur, she is a six-time world amateur boxing champion and the only woman boxer to have won a gold medal in each of the six world championships. Nicknamed Magnificent Mary, she is the only Indian woman boxer to have qualified for the Summer 2012 Olympics, competing in the flyweight 51 kg category and winning the bronze medal. Marie Kom, 24 November 1982 mein paida hui thi. उनको मैरी कॉम के नाम से जाना जाता है. वो एक इंडियन बॉक्सर है जो कॉम ट्राइब मणिपुर से आती है. वो 6-time वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैम्पियन है और अकेली वुमेन बॉक्सर है जो 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एक मेडल जीती है. उनका निकनेम है मैग्निफिसेंट मैरी और वो अकेली इंडियन है जो आज तक 2012 समर ओलंपिक्स जो लंदन में हुए थे उसमें फ्लाईवेट 51 केजी कैटेगरी में क्वालिफाई होकर ब्रॉन्ज मेडल जीती. There had to be one successful story if Indians were to survive in sports, and we have that story now. Enough has been said about this great warrior who conquered the world. This warrior is none other than Marie Mangte Kom, the conqueror and comrade. She is famed as a 5-times world boxing champion and the only boxer to win a medal in every one of the 6 world championships. In the 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing. Agar koi success ki kahani Indians jis pe survive kar sakte hai sports mein agar hona chahiye tha to hamare paas wo aaj hai. काफ़ी कहा जा चुका है उस महान योद्धा के बारे में जिसने दुनिया को जीता. ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि मैरी मैंगटे कॉम है जो कॉन्कर और कॉमराड है. वो प्रदर्शित है 5 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन बनने के नाम से और अकेली बॉक्सर जो हर 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एक मेडल जीती है. 2012 ओलंपिक्स में वो पहली भारतीय महिला बॉक्सर बनी क्वालिफाई होके एक ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य मेडल जीती 51 केजी फ्लाईवेट कैटेगरी में. कॉम वॉज बॉर्न इन कैंगथेई विलेज मोयरांग लामखाई इन चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रूरल मणिपुर इन ईस्टर्न इंडिया. शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली. हर पेरेंट्स मैंगटे टोनपा कॉम एंड मैंगटे आखाम कॉम वर टेनेंट फार्मर्स हु वर्कड इन झूम फील्ड्स. Kom grew up in humble surroundings, helping her parents with farm-related chores, going to school and learning athletics initially and later boxing simultaneously. Her father was a keen wrestler in this younger age. Kom ka jam Kangthei village mein hua tha, Moirang Lamkhai, jo Churchandpur district mein hai, rural Manipur, hai, Manipur ke bahar ke ilaqo mein, eastern India mein. वो बहुत ही गरीब घर से आती थी. उनके माता पिता मांगटे टोनपा कॉम और मांगटे आखाम कॉम टेनेंट फार्मर से यानी खेती बाड़ी करते थे जो झूम फील्ड में काम करते थे. झूम मीन्स फार्मिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन. कॉम ग्रो अप इन हम्बल सराउंडिंग्स मीन्स सिंपल एंड पुअर कंडीशन यानी बहुत ही सादे घर में उनकी अपब्रिंगिंग हुई. वो अपने माता पिता की खेत से जो रिलेटेड काम थे उनमें मदद करती थी, स्कूल जाती थी और एथलेटिक्स ये सीखती थी धीरे से और फिर धीरे धीरे उन्होंने बॉक्सिंग सीखना शुरू किया. उनके पापा थे वो बहुत ही कीन रेसलर थे एक बहुत ही यंग एज में. शी हैड एन ईगर इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स सिंस चाइल्डहुड एंड द सक्सेस ऑफ डिंको सिंह अ फेलो मणिपुरी हु रिटर्न फ्रॉम द 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स विद अ गोल्ड मेडल कॉम रिकलेक्ट्स हैड इंस्पायर्ड मेनी यंगस्टर्स इन मणिपुर टू ट्राई बॉक्सिंग एंड शी टू थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई. उनको एक काफ़ी ईगर इंटरेस्ट था एथलेटिक्स में बचपन से और डिंको सिंह जो थे एक दूसरे मणिपुरी उनका सक्सेस जो 1998 के एशियन गेम जो बैंकॉक में हुए थे वहाँ से वो गोल्ड मेडल के साथ यानी जीत के लौटे थे कॉम याद करती हैं. उन्होंने उसको इंस्पायर किया था और बहुत यंगस्टर्स को मणिपुर में बॉक्सिंग ट्राई करने के लिए
और उसने भी कहा सोचा कि वो उसे ट्राई देंगे। मैरी कॉम्स करियर स्टार्टेड इन 2000 आफ्टर हर विक्ट्री इन द मणिपुर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चैम्पियनशिप एंड रीजनल चैम्पियनशिप इन वेस्ट बंगाल। मैरी कॉम का करियर 2000 में स्टार्ट हुआ जब वो मणिपुर स्टेट वुमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप और रीजनल चैम्पियनशिप वेस्ट बंगाल में जीती। शी वॉज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड वेन शी मेड हर इंटरनेशनल डेब्यू एट द फर्स्ट AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन यूनाइटेड स्टेट्स, विनिंग अ सिल्वर मेडल इन द 48 kg वेट कैटेगरी। हर ग्रेटनेस इज रीइन्फोर्स्ड बाय द वे शी अपोलोजाइज टू द होल नेशन फॉर नॉट बीइंग एबल टू विन द गोल्ड। शी इज अ लेजेंड फॉर श्योर एंड एन आइडल फॉर ऑल द स्पोर्ट्स वुमेन टू लुक अप टू। वो सिर्फ 18 साल की थी जब उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू मीन्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस और परफॉर्मेंस, जब उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल में मैच खेला, जो आइबा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप थी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई वहाँ पे, और वहाँ पे सिल्वर मेडल जीता 48 kg वेट कैटेगरी में। उसकी महानता रीइन्फोर्स मीन्स स्ट्रेंथन बड़ी उस प्रकार से जब उन्होंने पूरे देश से माफ़ी मांगी कि वो गोल्ड नहीं जीत पाए। शी इज़ अ लेजेंड वन हु मेक्स हिस्ट्री, जो इतिहास रचता है। वो एक इतिहास रचयिता तो है और एक आइडल भी है सारे स्पोर्ट्स वुमेन, इन्हें जो लड़कियां जो स्पोर्ट्स खेलती हैं उनके लिए। इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद स्पोर्ट्स कीड़ा करेस्पॉन्डेंट तारुका श्रीवास्तवा, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम टॉक्ड अबाउट हर प्रेपरेशन फॉर द ओलंपिक्स एंड हर इलेशन एट विनिंग अ मेडल। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू स्पोर्ट्स कीड़ा के साथ करेस्पॉन्डेंट तारुका श्रीवास्तवा, जो इंटरव्यूअर है, उन्होंने मैरी कॉम ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का इंटरव्यू लिया कि उनकी प्रेपरेशन ओलंपिक्स के लिए कैसी थी और उनका इलेशन मींस ग्रेट जॉय और उन्हें कैसा लगा मेडल जीतने पे। इंटरव्यूअर, फर्स्ट यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक्स मेडल फॉर इंडिया, हाउ हैज़ द फीलिंग कम्प्लीटली संक इन। सबसे पहले आप पहली भारतीय महिला बॉक्सर है ओलंपिक मेडल जीतने के लिए भारत के लिए। संक इन मीन्स रियलाइज एंड एक्सेप्ट। क्या ये फीलिंग आपने पूरी अभी तक संक इन, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया है? आई एम रियली हैप्पी विथ माई अचीवमेंट एंड येस इट इज़ येट टू सिंक इन। आई एम जस्ट सो एक्सेलरेटेड। मैरी कॉम कहती है मैं बहुत खुश हूँ मेरे अचीवमेंट से और हाँ, ये अभी सिंक इन नहीं हुआ है, यानी अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है वो, इतनी खुश है वो। आई एम जस्ट सो एक्सेलरेटेड मीन्स वेरी थ्रिल्ड, मैं अभी भी बहुत थ्रिल्ड हूँ। इंटरव्यूअर, यू आर दी ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग, डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू? आप अकेली महिला रिप्रेजेंटेटिव थी भारत से बॉक्सिंग में, क्या इसने आप पे ज़्यादा एडिशनल ज़्यादा प्रेशर डाला? मैरी कॉम, नो नॉट एट ऑल, आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई न्यू। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी खुद को लेके, मैं जानती थी। योर कोचेज चार्ल्स एटकिंसन वॉज नॉट अलाउड टू अकम्पनी यू टू दी ओलंपिक्स, हाउ डिड दैट अफेक्ट योर प्रिपरेशंस? आपके कोच चार्ल्स एटकिंसन जो थे, उनको आपके साथ ओलंपिक्स में आने नहीं दिया, क्या इसने आपके प्रिपरेशंस को अफेक्ट किया, हानि पहुँचाई? वेल, आई डिड मिस हिम देर, बट थैंकफुली वी हैड ऑलरेडी डन आर होमवर्क एंड आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। हाँ, मैंने उन्हें मिस किया उधर, पर थैंकफुली हमने हमारा होमवर्क किया था और मैं बहुत अच्छी तरीके से तैयार थी। ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन फॉर द ओलंपिक्स यू स्पार्ड विद द मेल बॉक्सर्स ऑफ द इंडियन कंटिजेंट, हु वॉज योर फेवरेट स्पारिंग पार्टनर? आपके प्रेपरेशन ओलंपिक के दौरान आपने प्रैक्टिस करी स्पार्ड लेने मोशंस ऑफ बॉक्सिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग विदाउट लैंडिंग एक्चुअल ब्रोस? आपने बहुत ही मेल बॉक्सर्स के साथ प्रैक्टिस की, भारतीय कंटिजेंट के थे, आपके सबसे अच्छे स्पारिंग पार्टनर कौन थे? मैरी कॉम लाफ्स हंसते हुए, वेल आई ट्रेंड हार्ड इन पुणे एंड द मेल बॉक्सर्स वर काइंड इनफ टू प्रैक्टिस विथ मी वेन एवर आई रिक्वायर्ड देम, टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेयर। हाँ, मैंने काफ़ी मेहनत की पुणे में और वहाँ के जो मेल बॉक्सर्स थे वो काफ़ी काइंड थे प्रैक्टिस करते वक्त, और मेरे साथ जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी, और एक जन का नाम लेना काफ़ी अनफेयर होगा।
You were quoted saying Adams was a very clever counterpuncher, but although she... Do you think dodgy judging was part of the reason for your loss in the semi-finals? क्या आप सोचते हैं कि dodgy यानी बहुत unjust partial और partial judging आपके एक कारण था आपके semi-final के हार का? Yes, I think some of the decisions were unfortunate and did not work to my benefit. हाँ, मैं सोचती हूँ कि कुछ decisions unfortunate थे और मेरे benefit के नहीं थे वो. India managed just 6 medals in the 2012 Olympics, even though we are a nation of 1.3 billion people. Where do you think a change is required to help us win medals that are proportionate with our population? भारत सिर्फ 6 मेडल जीता 2012 ओलंपिक्स में, हालांकि हम 1.3 बिलियन पीपल यानी 130 करोड़ लोगों का देश है. आप क्या सोचते हैं कि एक बदलाव कहाँ ज़रूरी है ताकि वो हमको मेडल जीतने में मदद कर सके जो हमारे संख्या पॉपुलेशन के साथ प्रोपोर्शनेट है? आई थिंक मोर एंड मोर मैरीकॉम आई थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स एज अ फुल टाइम करियर इफ़ यू वॉन्ट मोर गोल्ड मेडल्स. मोर कॉरपोरेट्स शुड कम इन एंड स्पॉन्सर प्लेयर्स सो दैट द प्लेयर्स डोंट हैव एनी फाइनेंशियल प्रेशर एंड कैन जस्ट फोकस ऑन देयर गेम्स. मुझे लगता है कि और ज़्यादा लोगों को आगे आके स्पोर्ट्स एक पूरा फुल टाइम करियर लेना चाहिए अगर हमें और गोल्ड मेडल्स चाहिए. इन कॉरपोरेट्स मीन कंपनीज और इंडस्ट्री, ज़्यादा कंपनियों को आगे आना चाहिए और प्लेयर्स को स्पॉन्सर इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट पेज और एड स्पोर्ट्समैन इन अ स्पोर्ट्स इवेंट. और प्लेयर्स को स्पॉन्सर करना चाहिए यानी उनको पैसे से मदद करनी चाहिए ताकि प्लेयरों पे कोई भी फाइनेंशियल यानी पैसे के रिलेटेड कोई भी दबाव ना हो और वो सिर्फ अपने गेम पे फोकस कर सके. डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स? क्या आप सोचते हैं कि बॉक्सिंग का इंटरेस्ट भारत में कभी ओलंपिक्स के आगे जाएगा? मैरी कॉम येस आई एम श्योर दैट इन अ फ्यू ईयर्स बॉक्सिंग विल बी वेरी पॉपुलर अमंग एवरीवन इन इंडिया ऑल द ईयर राउंड. हाँ, मैं ये श्योर हूँ कि कुछ सालों में बॉक्सिंग बहुत पॉपुलर होगा भारत में सब में और साल भर. हाउ अवेयर आर इंडियन वीमेन ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स? डाइट एंड न्यूट्रिशन मस्ट हैव बीन अ की फैक्टर इन योर कंडीशनिंग फॉर द ओलंपिक्स. डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज अ निग्लेक्टेड एरिया इन स्पोर्ट्स इंडियन स्पोर्ट्स? क्या कितनी अवेयर है आप भारतीय महिला कितनी अवेयर है उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से? डाइट और न्यूट्रिशन बहुत ही बड़ा फैक्टर रहा होगा आपकी कंडीशनिंग यानी बिकमिंग फिट ओलंपिक्स में. क्या आप सोचते हैं कि न्यूट्रिशन भारत के स्पोर्ट्स में निग्लेक्टेड है? द अवेयरनेस इज ग्रोइंग नाउ अमंग द फीमेल एथलीट्स व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. न्यूट्रिशन हैज डेफिनेटली बीन अ निग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स. आई हैड टू गेन 3 kg सिंस आई हैड टू फाइट इन द 51 kg इवेंट इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 48 kg दैट आई फाइट इन. So I had to focus on what to eat. I gained weight by eating the right kind of healthy food rather than bad saturated fats. हाँ, awareness अभी बढ़ रही है भारतीय महिलाओं में, female महिलाओं में, athletes में, जब ये बात nutritional requirements पे आती है. Nutrition काफ़ी बार neglected रहा है Indian sports में. मुझे 3 kg बढ़ाना पड़ा ताकि मैं 51 kg के category में fight कर सकूँ जब मैं भारत में या नॉर्मली मैं 48 kg में फ़ाइट करती हूँ. तो मुझे इस पे ध्यान रखना पड़ा कि मैं क्या खाती थी. मैंने वज़न बढ़ाया सही तरीके का हेल्दी फूड खा के रादर देन बैड सैचुरेटेड फैट्स मीन्स अनहेल्दी फैट्स. हाउ बिग अ रोल डिड OGQ प्ले इन शेपिंग द बॉक्सिंग सीन इन इंडिया फॉर द बेटर? कितना बड़ा रोल OGQ ने खेला भारत का बॉक्सिंग का सीन शेप करने में? OGQ प्लेड रियली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन माई सक्सेस. दे हेल्प मी आउट वेन एवर आई नीडेड समथिंग. दे टुक केयर ऑफ एवरीथिंग विच हेल्प मी फोकस ऑन माई बॉक्सिंग एंड केप मी स्ट्रेस फ्री. OGQ ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया मेरे सक्सेस में. दे हेल्प मी आउट उन्होंने मेरी मदद की जब भी मुझे ज़रूरत थी. उन्होंने सब चीज़ों का ध्यान रखा जिससे कि मैं फोकस कर सकी मेरे बॉक्सिंग में और मुझे स्ट्रेस नहीं आया. इंटरव्यूअर व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग? आपका ओपिनियन क्या है भारत के बॉक्सिंग के फ्यूचर के बारे में?
Maricom, the future is very bright and I am sure many more boxers will get medals for us. फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है और मैं श्योर हूँ कि काफ़ी सारे बॉक्सर्स हमारे लिए मेडल लाएंगे. इंटरव्यू. डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्विंस योर चिल्ड्रेन नॉट टू फाइट व्हेन दे वॉच यू गो आउट एंड डू इट इन स्टाइल ऑल द टाइम? क्या आपको ये मुश्किल लगता है अपने बच्चों को मनाना कि लड़ाई ना करें जब वो आपको देखते हैं और बाहर जाते हैं और स्टाइल में करने की कोशिश करते हैं सारा टाइम? Maricom. Well, I have twins and yes, sometimes it becomes really difficult to keep them under control. हाँ, मुझे twins हैं और हाँ, कुछ टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको कंट्रोल में रखना. इंटरव्यूअर. विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर्स एज वेल? क्या आप अपने बच्चों को भी बॉक्सर्स बनने के लिए ट्रेन करेंगे? Maricom. I haven't really thought about it. As of now, just let their mother box. मैंने इस बारे में सोचा नहीं है. अभी के लिए मुझे बस उनकी माँ बनने दो. You have broken several stereotypes about the women in India by showing that women can compete with men in any field. But how good are you at the traditional feminine activities like cooking? आपने काफ़ी stereotypes तोड़े हैं भारतीय महिलाओं को लेके दिखाते हुए कि महिला पुरुष से कोई भी फील्ड में मुकाबला कर सकती है. पर आप बाकी के ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स मीन्स अ फिक्स्ड आइडिया हेल्ड एज अ कॉमन स्टैंडर्ड, बाकी के आप घरेलू लड़कियों के कामों में कैसी हैं, जैसे खाना बनाना? वेल, आई एम गुड एट कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क टू. वेल, मैं खाना बनाने में भी अच्छी हूँ और घरेलू कामों में भी. वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन वुमेन इन बॉक्सिंग वन डे? क्या आप इंटरेस्टेड होंगी कोच करने में भारतीय महिलाओं को बॉक्सिंग में एक दिन? Maricom. लेट सी, इन द फ्यूचर मे बी येस. देखते हैं, फ्यूचर में शायद हाँ. इंटरव्यूअर. व्हाट डू यू प्रेफर बीइंग कॉल्ड, सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर? आप क्या प्रेफर करती है कहा जाना, सुपर मॉम या सुपर बॉक्सर? Maricom. आई लव बीइंग अ मॉम, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड टू मी. मुझे एक माँ बनना बहुत अच्छा लगता है और ये माँ बनना सबसे अच्छी चीज़ हुई है जो आज तक मुझे हुई है.